ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਲੁੱਟਖੋ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 2 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਗਰੋਹ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਤਰ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ 18 ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 12 ਮੋਬਾਈਲ, 1 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਤੇ 1 ਤੇਜ਼ ਧਾਰ ਛੁਰਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। पुलिस स्टेशन के एरिया में सानेवाल, सिमलापुरी और सदर के एरिया में हुई है। उसी में से एक वारदात जो हुई थी उसकी फोटोग्राफ्स के बेसिस पे और इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हमने 2 लोगों को अरेस्ट किया है, और जिनसे अभी तक उन्होंने हमारे सामने 18 वारदातें मानी हैं, जिनके अंदर से अभी तक जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है उसमें से 7 केसेज रजिस्टर्ड हैं अलग अलग पुलिस स्टेशन में, डेलो, सिमलापुरी, सानेवाल और सदर के अंदर। बाकी हम और इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इनके पास 12 मोबाइल बरामद हुए हैं, 1 छुरा और 1 मोटरसाइकिल बरामद हुआ है। तो ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ये लोग नशे करने के भी आदि हैं, उन लोगों की तरफ भी हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। ये सारी वारदातें जो है लुधियाना में हैं, और ख़ासतौर पर इसमें जो पैटर्न है वो ये है कि बाहर के एरिया में वारदातें की इन्होंने, जो थोड़ा सा खुला एरिया और थोड़ा सुनसान एरिया है। इनका मॉडस ऑपरेंडी भी यही है कि जो खासतौर पर जो बंदा, अगर कोई अकेला बंदा जा रहा है तो उसको इन्होंने टारगेट करके उससे मोबाइल छीन लेना है, डरा धमका के, छुरा दिखा के, ना दिखा के या शरीर। अभी तक जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में आया है वो ये लोग चिट्टा यूज़ करते हैं लोग जिसको हम करते हैं, और बाकी हम वेरीफाई करवा रहे हैं। पोस्टर रिलीज किया गया था? हाँ जी, ये जैसा मैं बता रहा हूँ आपको कि पहले हमने एक पोस्टर के अंदर जितने भी सस्पेक्ट्स और उनके फोटेज थे वो रिलीज़ किया था, उसी में से एक है ये। 270 नंबर FIR है 2018 का, पुलिस स्टेशन सदर का, उसके अंदर ये वांटेड थे। बाकी और केसेस भी पता लगे हैं हमें इनके बारे में। ये 2 ही हैं, इससे ज़्यादा भी आएंगे? हाँ जी, अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन आई है उनमें ये 2 ही लोग वारदातें करते थे, बाकी हम। लुधियाना तो विकास भांबरी की स्पेशल रिपोर्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट द टीवी NRI।